बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 100x उसका माइनस का 20x और प्लस का 1। अब बेटा यहाँ पर 20 वालों को तोड़ना है, 20x को तोड़ना है बेटा। ऐसे तो बेटा तोड़ सकते हैं 100x उसका और माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस का 1। अगर बेटा एक नंबर माना तो आप कर देना बेटा एक्स इक्वल 1/10 और 1/10 ये आंसर रहेगा बेटा, ठीक है ना। पर फिर भी अपन करते बेटा यहाँ पर कैसे तोड़ा बेटा इसको 100 में करा 10 में करा तो 100x स्क्वायर है ना। अब बेटा यहाँ पर 10x और 10x कितना है 20x। अब बेटा हमने कहाँ पर यहाँ करा बेटा कॉमन लिया बेटा यहाँ पर 10x स्क्वायर बेटा 10x 100x और x 2x है तो 2x और माइनस का 10x दोनों में क्या मैच हो रहा बेटा यहाँ पर 10 × 10 है ना 10 × 10 100 तो 10 और x ये दोनों कॉमन है बेटा भाग लिख दिया बेटा 10x। अब अच्छा क्या 10x और 1 यानी 10x और 10x प्लस 1 आया ये और आया। अरे बेटा दोनों कॉमन लेंगे बेटा 10x का भाग देंगे सर माइनस का है ना बेटा यहां पर 10x बन जा और 10x से 10x का बचा क्या यहां पर 10x ठीक है ना। अब बेटा देखना इसको ऐसे कैसे कहां लिखा बेटा पीछे यानी 10x माइनस का 1। अब बेटा हमने यहाँ पर या यहाँ पर देख लो बेटा अब 10x माइनस का और इधर क्या 10x 10x है का कितना आया बेटा माइनस का 1 तो माइनस का 1 इक्वल 0। अब बेटा ये दोनों है तो दोनों लिख दिए यहाँ पर बेटा हमने 10x माइनस 1 और ये लिखा बेटा 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब बेटा यहाँ पर 10 0 के इक्वल लिखा हमने 10x माइनस 1 इक्वल 0 और 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर बेटा प्लस माइनस का उधर गया बेटा प्लस का है ना ना ये कहाँ गया बेटा बटे में तो ये 1/10 और यहाँ पर बेटा x बराबर 1/10 यही है सेम तो यही आएगा तो ये आपका आंसर।